क्या हो रहा है, क्या दरखास्त दी गई है, आप खुद ही आप इस सदन के रक्षक हैं, आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है, क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते कोविड के चाहिए, माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहिए, बताइए, एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। सर प्रधानमंत्री जी का लेंगे आप, प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हुए और शहर का नाम लेते हुए ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते, उनको बताना चाहिए। दफ्तर में जो बात हम आपके विश्वास में रखते हैं और आप जो बात हमें कहते हैं उसको भी उसकी भी विश्वसनीयता हम बचा के रखते हैं। एक मिनट आप सब एक मिनट बैठिए, एक मिनट मैं बैठा हूं ना। माननीय सदस्य, कभी भी कोई भी विषय, ये मेरा चेंबर भी सदन है, आप जानते हैं वरिष्ठ नेता हैं, कभी भी ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए जिसका कोई तथ्य और सत्य ना हो। मेरा कहना सर मैंने जो पब्लिक डोमेन में है सर, जो पब्लिक डोमेन में है, इन्होंने जो लेटर दिया है और प्रेस को भी कहा है सर, प्रेस के अनुभव होता है, प्रेस के पास भी सर इनका लेटर है सर, प्रेस पे चल रहा है, उसके बारे में मैंने पूछा हूँ, मैंने कुछ सीक्रेट नहीं पूछा हूँ, सीक्रेट इनका जो सीक्रेट है मैंने नहीं पूछा हूँ, लेकिन इन्होंने क्या बता रहे माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेके शहर का गरिमा और एक संसद की उनको पता है, वो बोल रहे तो हम भी चर्चा के लिए तैयार है, अनाप शराब आरोप नहीं लगा सकते हैं। अगर मंत्री महोदय अगर ये ऐसा नियम शुरू करना चाहते हैं कि सदन आपके दफ्तर में जो बात होती है उसको बाहर उजागर करना चाहेंगे तो बात हम भी रख सकते हैं सर, हम भी उल्टा बात रख सकते हैं अंदर के। तो इस प्रकार के आप संसदीय मंत्री हैं, आप इस पब्लिक डोमेन में, प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज इन द पब्लिक डोमेन, इट इज इन द मीडिया, इट इज इन द सोशल मीडिया, व्हाट आर यू टॉकिंग। हमारे अध्यक्ष महोदय के दफ्तर में जो बातें करते हैं उसको इस प्रकार से आप उसका उल्लंघन मत करिए, आप संसदीय मंत्री हैं, आप तो अपना कर्तव्य याद रखिए, आपका लेटर पब्लिक डोमेन में है, आप तो अपना कर्तव्य याद रखिए। अध्यक्ष महोदय,